नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं गौरव सिटी, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके चैनल जी टेक की एक और नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में लेके आ गए आप लोगों के लिए वन प्लस 12 की हैंड्स ऑन डिवाइस, जो कि वन प्लस ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपना 12 सीरीज के 3 डिवाइसेस लॉन्च करे हैं, जिसके साथ बर्ड्स 3 भी लॉन्च किया है। तो इसकी आज हम करने वाले हैंड्स ऑन और देखेंगे डिवाइस कैसा है। हमारे पास जो अभी अवेलेबल है वो है ब्लैक कलर का डिवाइस, तो जल्दी से हम लोग आप लोगों को दिखा देते हैं एक झलक ब्लैक कलर की वन प्लस 12, नॉट ये 12R नहीं है, वन प्लस 12 है ओनली। तो इसकी आज हम हैंड्स ऑन करते हैं और जल्दी से देख लेते हैं इसमें जो फीचर्स हैं, जो आप लोगों को जितनी भी चीज़ें मिलेगी और क्या क्या इसमें देखने को मिलेगी। देख सकते हैं दोस्तों, मेरे हाथ में वन प्लस 12 कर्व डिस्प्ले है, कर्व एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज की है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का आप लोगों को कैमरा मिलेगा डॉट नॉच, देख सकते हैं आप लोग 32 मेगापिक्सल का ये कैमरा है। पहले हम जो है इसके ओवरऑल बात कर लेते हैं, आज लुक की बात कर लेते हैं। नीचे की साइड आप लोगों को एक सिम इजेक्शन ट्रे मिलेगी, यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, यहाँ पे एक स्पीकर मिलेगा, एक स्पीकर आप लोगों को ऊपर की साइड मिलेगा। साथ में इस साइड पे आप लोगों को मिलेगा पावर की और वॉल्यूम की, आप लोगों को दिख रहा है साइड में जो क्रोम दे रखी है आप लोगों को, थोड़ी सी स्टाइलिश। दूसरी साइड पे आप लोगों को एकदम प्लेन सरफेस देखने को मिलेगा। बैक साइड पे आप लोग देखें तो ब्लैक जो लुक है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, मैट फिनिश में है, थोड़ा सा जो स्पार्कल वाला जो टेक्सचर है वो इसमें दे रखा है। साथ में आप लोगों के 3 कैमरा सेटअप आप लोगों को मिलेंगे, यहाँ पे एक फ्लैश लाइट है। अब ये 3 कैमरा सेटअप कौन कौन से वो भी हम अभी आपको बताएंगे। पीछे साथ में दे रखी है ब्रांडिंग वन प्लस, यहाँ पे एक फ्लैश लाइट है और एक यहाँ पे भी फ्लैश लाइट दे रखी है दो जगह पे। ओवरऑल जो है लुक काफ़ी अच्छी है, थोड़ा सा जो है थिकनेस बोलूँगा, थिकनेस है मोबाइल की, बट जो लुक वाइज है आप लोगों को कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ देखने को इसमें नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग जो है अब इसकी सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाके हम लोग जाते हैं अबाउट फ़ोन में। तो अबाउट फ़ोन में आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा ऑक्सीजन OS 14.0 के साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारे पास जो वेरिएंट है वो है 16GB 512GB वाला वेरिएंट, जो कि वन प्लस ने लॉन्च किया है 70,000 रुपये में। एक इसका 256GB वाला वेरिएंट भी है जो 64999 के अराउंड है रेट। जो भी फाइनल रेट्स होंगे वो मैं आप लोगों को नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मैं बता दूंगा। इसमें जो हमें मिलता है पावरफुल स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिलता है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, जो अभी तक का लेटेस्ट प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का 2 के बाद, तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ में आप लोगों को मिलेगी 5400 mAh की बैटरी, 17.32 सेंटीमीटर की बिग साइज स्क्रीन आप लोगों को देखने को मिलेगी। स्क्रीन साइज आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में जो है काफ़ी बड़ा और अच्छा सा लग रहा है लुक। 16GB वाला इसमें वेरिएंट है, इसमें एक और वेरिएंट आता है जिससे छोटा वेरिएंट है। साथ में आप लोगों को फ्रंट में जो है 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, बैक में 50MP 48MP और 64MP पेरिस्कोप कैमरा आप लोगों को फर्स्ट टाइम इस फ़ोन में देखने को मिलेगा। ये 3 कैमरा सेटअप आप लोगों को पीछे देखने को मिलेंगे, जो लुक है वो अच्छे है। हैसलब्लेड के जो इसकी ब्रांडिंग है वो हैसलब्लेड की है। एंड्रॉयड 14.0 जो लेटेस्ट है वो आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा, 13 से अपग्रेड। साथ में जो है इसके वर्जन्स वगैरह स्टेटस है और इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी दे रखी है, आप लोग क्या कर सकते हैं। आप लोग स्क्रीन जो हर्ट्स है, हर्ट्स रेट है वो देख सकते हैं, काफ़ी स्मूथ है। इसमें जो है प्री इंस्टॉल्ड आप लोगों को कुछ ऐप्स भी देखने को मिलेंगे, इस वेलकम टू शेल्फ। अब ये शेल्फ भी एक तरीके का इसमें कुछ इम्प्लीमेंट किया गया है फ़ोन के साथ, बट उसके बारे में हम आप लोगों को डिटेल में बाद में बताएंगे। अभी के लिए हमारा हैंड्स ऑन है, तो हैंड्स ऑन में जितने भी हम चीज़ें कवर कर सकते हैं वो हम कवर कर रहे हैं। चलिए अब हम कैमरा क्वालिटी थोड़ी जो है चेक कर लेते हैं। तो कैमरा क्वालिटी आप देखेंगे ये है अभी 1x पे, 2x, 3x एंड 6x, तो देख सकते हैं आप लोग
कैमरे की जो क्लियरिटी है वो काफ़ी अच्छी है। 6x पे एक फ़ोटो क्लिक करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जूम करके आप देख सकते हैं गाइस, क्लियरिटी में जो है कोई भी डाउट नहीं है, क्लियरिटी बहुत अच्छी है। देखिए QR कोड भी आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं कि क्या लिखा है। फिर आते हैं पोर्ट्रेट पे, पोर्ट्रेट पे तो आप लोगों को पता ही है, अभी स्टिल जो है चल रहे हैं यहाँ पे लोग, तो इसलिए इतना पता नहीं चलेगा। तो इसमें जो है काफ़ी सारे जो मोड्स रखे हैं, नाइट मोड है, हाई रेज है, पैनोरामा, फिल्म, स्लो मो, टाइम लैप, लॉन्ग एक्सपोजर, ड्यूअल वीडियो व्यू भी है, टेक्स्ट स्कैनर भी है, टिल शिफ्ट और एक्स पैन भी आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। इसमें प्रो मोड पे हम जाते हैं तो प्रो मोड पे आप देख सकते हैं, प्रो मोड पे थोड़ा सा जो है और क्लियरिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जबकि अगर हम सिर्फ फोटो पे 6x पे जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा जूम करने पे, ये देख सकते हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छा जो लुक है वो काफ़ी अच्छा है, बाकी 10x आप जा सकते हैं इसको मैक्स टू मैक्स, और 0.6 है मिनिमम, आप देख सकते हैं 6.0 पे आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा जगह को इसमें कैप्चर करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं आराम से। वीडियो मोड में जाएंगे तो वीडियो मोड में HDR मिलेगा, OIS मिलेगा और 1080p 30fps आप लोगों को इधर देखने को मिलेगा, 720p 3060, 1080p 3060, 4K पे भी 3060 और 8K पे आपको ओनली 24fps यहाँ पे रियर कैमरे में देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरे की बात कर लेते हैं अगर वीडियो में, तो 720 ओनली 30, 1080 भी 30 और 4K भी 30 पे है, इसमें 60 आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। फ्रंट कैमरे की बात कर लेते हैं तो इसमें एक EV मोड भी है, टाइमर है और HDR फ्रंट में भी है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरा भी जो है काफ़ी अच्छा जो है आप लोगों को लुक मिलेगा। तो अभी हम जो है वन प्लस के लॉन्च इवेंट पे आ रखे हैं, ये हमारा जो है, दिखा दूँ मैं आप लोगों को पीछे से, ये हमारा जो है एक्सपीरियंस जोन है जहाँ पे ओवरऑल जितने भी वन प्लस के कम्युनिटी मेंबर्स और जिन्होंने भी अदर ऑप्शन से जो बाय किए टिकट्स, उन सब के लिए डिवाइसेस यहाँ पे अवेलेबल है। तो ओवरऑल डिवाइस के बारे में यही है, अब इसके बाद हम लोग जो है 12R की तरफ चलेंगे और 12R को देखेंगे कि उसमें इससे क्या चीज़ डिफरेंट है, क्योंकि उसका जो प्राइस है काफ़ी लो प्राइस है 11R का। तो लेट्स सी, आज के लिए इतना ही, अभी के लिए OnePlus 12। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने टैग और नॉन टैग दोस्तों को, फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स को हमारी वीडियो शेयर करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। तो ओवरऑल डिवाइस के बारे में यही है, अब इसके बाद हम लोग जो है 12R की तरफ चलेंगे और 12R को देखेंगे कि उसमें इससे क्या चीज़ डिफरेंट है, क्योंकि उसका जो प्राइस है काफ़ी लो प्राइस है 11R का। तो लेट्स सी, आज के लिए इतना ही, अभी के लिए OnePlus 12। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने टैग और नॉन टैग दोस्तों को, फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स को हमारी वीडियो शेयर करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।